बोलो बोलो बोलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, बोलो बोलो बोलो। मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है और मैं आज जा रही हूँ मजार घूमने। बोल दो लाडो, बोल दो बोलो। सलाम वालेकुम, मैं घूमू घूमू जाऊंगी आज, हीरोइन बन के। मम्मा आज हीरोइन बन के जाऊंगी मैं। ऐसा कर दो, सलाम कर दो, सलाम सलाम सलाम। गुड गर्ल गुड गर्ल। अब खुद से कर दो, खुद से कर दे। तो ये हाथ से कर दो, कर दो। ये तो ऐलान रेडी हो गया है। माँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो हेलो कर दो, तो हेलो हेलो कर दो तो मामा, हेलो कर दो। गुड मॉर्निंग, आपकी तबीयत कैसी है अब? पहले से ठीक है, पहले से ठीक है। हम लोग जा रहे हैं मज़ार घूमने के लिए, ठीक है? चलो ठीक है, हाँ। अभी हम लोग मजार के लिए निकलेंगे। अभी हम लोग की गाड़ी आ चुकी है सिलाल चौक पे। हाय अस्सलाम वालेकुम, बोलो अस्सलाम वालेकुम। हम लोग दोनों बहने आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली की सारी मजारों की ज्यारत करने के लिए। और आगे आगे देखो सब जा रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आइए क्या। हम लोग पहली मजार पहुंच गए हैं चिराग दिल्ली की, जो कि है जलालुद्दीन बाबा। तो पहले हम वहां से ज्यारत करेंगे। रास्ता ही है सामने से, दूसरा रास्ता है और मेरी नानी का घर उधर ही है सामने, उस तरफ को। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं दूसरी मज़ार मेहरौली, हज़रत कुतुबुद्दीन बाबा की मज़ार पे हम लोग आ गए। अब यहाँ की ज़्यारत करेंगे। मम्मा लाडो, गर्मी लग ली आपको? लाडो को गर्मी लग रही है भाई।
बोलू शरीफ में यहाँ पर जंगल की तरफ एक और दूसरी मज़ार है, वो है आशिक अल्लाह। अब हम सारे वहाँ पर जा रहे हैं वहाँ की ज़ियारत करने के लिए। यहाँ पे हम लोग लंगर खा रहे हैं सब। हम लोग अभी आशिक अल्लाह मज़ार पे हैं और यहाँ पर हम लोगों ने भी लंगर खाया है। ये आपको कैसा लगा लंगर खाकर? है ना, लंगर ऐसी चीज़ है कि कभी कभी खाने को मिलती है। होटल में खाना तो इंसान हमेशा खाता रहता है, लेकिन लंगर खाना बहुत नसीब की बात है। ये रहे हम लोग, अब यहाँ से हम लोग निकले हरी इस मज़ार को लेके। तीन मज़ार की ज़्यारत अभी। से निकलते समय यहाँ पे रास्ते में एक और मज़ार है, वो है निज़ामुद्दीन औलिया की अम्मी जान, तो वहाँ की हम लोग ज़ियारत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं जामा मस्जिद और ये है कबूतर मार्केट। यहाँ पे एक मज़ार है, उनका नाम है हज़रत कलीमुल्ला शाह जैनाबादी।
मस्जिद के अंदर यहाँ पर भी दो मज़ारे हैं, वो है हरे भरे शाह और शेर मस्तान। तो हम सारे लोग आए हैं यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए और यहाँ पे बहुत रश है। हरे भरे शाह और शेर मस्तान उनके दरबार में लंगर चल रही है सस्ती की, तो वहाँ पे लंगर लेकर अभी खा रहे हैं लोग, सारे लोग खा रहे हैं और वेजिटेरियन वाले लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने किया बहुत सारा एंजॉय और इसके बाद अब हम लोग फिर जा रहे हैं मटका पीर यहाँ से। ये और ये इंडिया गेट एक्चुअली बहुत दूर है, तो हमारी जो गाड़ी की पार्किंग है वो इस साइड हुई, इसलिए हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। हम यहीं पे थोड़ा सा एंजॉय करके बस बच्चों को घुमाना था घुमा लिया, अब जाएंगे। अरे रे अरे रुक, ब्रेक छोड़ के रे दीजिएगा तभी चलेगा। चल हाँ जा, आगे देख के, आगे देख के, आगे देख के, आगे देख, आगे देख, यहाँ हम आ गए हैं मटका बाबा की मज़ार, तो यहाँ की ज़ियारत कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे निज़ामुद्दीन। मने होलो के बंगाली देर के देखे जरा बंगाल थे के एसचे तादर के देखे अमर मने होलो जे आमियो बंगला कथा बोली ओइ जन नामी तो बंगला ब्लॉगिंग करछी। देखो ये सब वेस्ट बंगाल से आए हैं, कहां से आए ये मुझे पता नहीं है।
तो इन लोग को देख के मुझे ऐसा फील होगा थोड़ा सा बंगाली में भी बोलूं। वैसे मैंने कैसी बंगाली बोली है कैसी? আমি কি রকম বাংলা বলেছি? আমার হিসাবে তো ঠিকঠাক আছে, বাকি যারা দেখছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। ঠিক আছে, তো যারা আমাকে দেখছে আমি বাংলায় কথা বলেছি, কে বলুগি? না না, তারা আমাকে একটু কমেন্টে জানাবেন যে আমি কেমন বাংলা বলেছি। আজান হয়ে গেছে। यहाँ हम सारे लोग आ गए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे और यहाँ की जो रौनक है वो बहुत अलग होती है। मतलब कि ऐसा फील होता है जैसे अजमेर शरीफ की जो रौनक है उसी तरीके की यहाँ पे भी रौनक होती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे मिनी अजमेर है। और यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इस मज़ार पे आने के बाद, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सबको सलाम करना है, उसको सब पे सलाम करना है। आज सारी मज़ारें जो है ज़ियारत हो चुकी हमारी, ये चिराग दिल्ली नसीरुद्दीन बाबा के मज़ार में सलामी, यहाँ पे हमने सलामी पेश की है। लेकिन यहाँ की मज़ार का जो टाइम है, हाँ वो बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमने सबने सलाम कर लिया है।